दिल्ली के कोने कोने से आए हुए इतनी भारी संख्या में सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज सीसीटीवी कैमरे के मुद्दे पे इतनी भारी संख्या में महिलाएं आज यहां पे आई हैं, इससे ये जाहिर होता है कि महिलाएं दिल्ली में अपनी सुरक्षा को लेके कितनी ज्यादा परेशान हैं, कितनी ज्यादा चिंतित हैं। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि महिलाओं को लगता है कि अगर सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लग गए तो उनकी सुरक्षा उससे मजबूत होगी। एक बार जितनी महिलाएं आ जाई हैं सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आज यहां पे दिल्ली के कोने कोने से RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग आए हैं। मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूं, RWA के लोग खास तौर से बहुत चिंतित हैं सुरक्षा को लेके। जितने दिल्ली के कोने कोने से RWA के लोग आए हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के कोने कोने से आज मार्केट एसोसिएशन आई है। हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, गाड़ियां उठ जाती हैं, मार्केट के अंदर भी सुरक्षा नहीं है। सभी मार्केट एसोसिएशन के सभी लीडर्स को तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारी एनजीओज आई हैं, बहुत सारी एम्प्लॉय यूनियंस आई हैं। मैं ये सामने देख रहा हूँ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये बैनर इन लोगों ने लगाया है, DDA फ्लैट्स गुलाबी बाग, बहुत सारे आज RWA आई हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए? एक बारी जरा से हाथ खड़े करके बता दो। ये कैमरे वाले थोड़े पीछे फोटो ले लेना, कल छाप देना अखबारों में। दोस्तों पिछले तीन साल से कोशिश कर रहे हैं हम दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की। जैसे ही सरकार बनी थी हमने फाइल चालू कर दी, लेकिन आप लोग देख रहे हो दिल्ली में हमको काम नहीं करने देते। 3 साल से LG साहब ने रोड़े अटका रखे थे, अफसरों ने रोड़े अटका रखे थे, BJP वाले LG साहब के जरिए अफसरों के जरिए सीसीटीवी कैमरे लगने नहीं दे रहे थे। आखिरकार इनसे लड़ लड़के हमने फाइल किसी तरह से आगे धक्का मारा फाइल के, तो फिर अभी टेंडर हो गए। भारत सरकार की एक कंपनी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी को ठेका मिलने जा रहा था, उनका टेंडर सबसे कम था। मई के महीने में उनको ठेका मिलने जा रहा था, फिर LG साहब ने अड़चन अड़ा दी। LG साहब बोले मैं एक कमिटी बनाऊंगा, वो कमिटी तय करेगी कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे कैसे लगने चाहिए। LG साहब ने कमिटी बना दी और फिर सीसीटीवी कैमरे रोक दिए। उस कमिटी में सारे पुलिस वाले, तो उन पुलिस वालों की अब रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट है, ये LG साहब ने जो पुलिस वालों की कमिटी बनाई थी उस कमिटी की रिपोर्ट आई है।
यह कई पत्रकारों को भी नहीं पता। इस रिपोर्ट में लिखा है अगर दिल्ली में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, कोई भी, चाहे सरकार लगाए, चाहे मार्केट एसोसिएशन लगाए, चाहे आरडब्ल्यूए लगाए, चाहे कोई कंपनी वाले लगाए, कोई अपने पैसे से भी सीसीटीवी कैमरे लगाएगा अगर, तो उनको पुलिस से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर पूरी दिल्ली में अब कोई सीसीटीवी कैमरे लगाएगा तो पुलिस से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं इनको कह रहा हूं तुमसे हथियारों के लाइसेंस तो दिए नहीं जाते, तुमसे पुलिस का काम तो होता नहीं है, अब तुम सीसीटीवी कैमरों के लाइसेंस दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं लाइसेंस का क्या मतलब है? लाइसेंस का क्या मतलब है? पैसा चढ़ा, हेलो, पैसा चढ़ाओ और लाइसेंस ले जाओ। पैसे खाने का एक और जरिया बना लिया है जी साहब ने। अरे बीजेपी वालों के पास ऐसे ही इतना चंदा आता है, अब ये पुलिस वालों के लाइसेंस के जरिए चंदा लोगे क्या? मैं कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, पत्रकार बोले अरविंद जी आप झूठ बोल रहे हो, एलजी साहब कह रहे हैं कि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये एलजी साहब की रिपोर्ट है भाई साहब, इसमें लिखा है दिल्ली रूल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ सीसीटीवी सिस्टम्स इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2018। इसमें लिखा है एवरी ओनर एंड डेटा कंट्रोलर ऑफ सीसीटीवी सिस्टम कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक स्पेस शैल रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन फॉर्म नंबर वन। फॉर्म नंबर वन भर के लेना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। डिस्क्लोजिंग द पर्पस नंबर लोकेशन ऑफ सीसीटीवी एंड सच अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग द मैनर ऑफ यूसेज हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सिस्टम ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट अंडर रूल वन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ। इसमें लिखा है पुलिस वाले देखेंगे कि आपको सीसीटीवी की जरूरत है कि नहीं है। पुलिस वाले क्या देखेंगे जी आके, क्या देखेंगे पुलिस वाले आके? पुलिस वाले, इसमें एलजी साहब ने लिखा है पुलिस वाले आएंगे आपकी कॉलोनी में और देखेंगे कि आपको सीसीटीवी की जरूरत है कि नहीं है। ये कौन तय करेगा कि सीसीटीवी की जरूरत है कि नहीं है? जनता तय करेगी कि एलजी साहब क्या करेंगे? जनता तय करेगी कि पुलिस वाले तय करेंगे? जनता तय करेगी कि बीजेपी वाले तय करेंगे? जनता तय करेगी। ये जनतंत्र है, पुलिस राज नहीं है एलजी साहब। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला प्रश्न है, आप लोगों से पूछना चाहता हूं सीसीटीवी की लाइसेंस लेना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीसीटीवी का लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से हाथ हिलाओ, ये कैमरे वाले दिखाओ आज सारे कैमरे मोड़ लो सारे जने। अरे यार मत दिखाना कैमरे तो मोड़ लो, कैप्चर तो कर दो। सीसीटीवी का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। जिन जिन लोगों को लगता है सीसीटीवी का लाइसेंस होना चाहिए हाथ खड़े कर दो। जिसको लगता है लाइसेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
एक को भी नहीं लगता यहाँ पे आज हजारों लोग हैं, एक को भी नहीं लगता कि सीसीटीवी का लाइसेंस होना चाहिए, तो इस रिपोर्ट का क्या करें? इस रिपोर्ट का क्या करें? आप लोग हेलो, जनता की मर्जी है, भाई इस रिपोर्ट को फाड़ दो, जनता जनार्दन है जनतंत्र में, तो मैं आपसे सहमति चाहता हूं। कल सवेरे दफ्तर में जाके मैं फाइल पे लिख दूंगा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि सीसीटीवी का कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए, मंजूर है? कल मैं फाइल साइन कर दूं। दूसरा प्रश्न, सीसीटीवी कैमरे कहां लगेंगे, इसका निर्णय महिलाएं करेंगी कि पुलिस करेगी? मेरा एक सुझाव है, किसी भी आरडब्ल्यूए में अगर सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, किसी भी मार्केट एसोसिएशन में अगर सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, तो वहां पे आरडब्ल्यूए की जनरल बॉडी मीटिंग हो, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली कंपनी आए, पुलिस के लोकल अधिकारी आए, एसएचओ आए, और सबकी मौजूदगी में तय होना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगेंगे, मंजूर है? दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ये पुलिस को मिलनी चाहिए, आरडब्ल्यूए को मिलनी चाहिए और सरकार को मिलनी चाहिए, तीनों को उपलब्ध होनी चाहिए, मंजूर है? मेरी आप लोगों से निवेदन है, आज यहां पे बहुत सारे आरडब्ल्यूए आए हुए हैं, मार्केट एसोसिएशन आई है, महिलाओं के संगठन आए हैं, आप जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करा के जरूर जाना, क्योंकि आप सब लोगों को जब आपके इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो हम आप सब लोगों को आपके इलाके में शामिल करेंगे तय करने के लिए कि सीसीटीवी कहां रखने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगने से चोरी चकारी रुकेगी, पूरी दिल्ली में सारे चोर उचक्के जितने गलत किस्म के लोग हैं उनको पता चल जाएगा भाई हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, डरेंगे कि नहीं डरेंगे? जितने ये बदमाश लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं इनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगली बार ये जितने मजनू बने फिरते हैं इनको डर लगेगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लगेगा कि नहीं लगेगा? जितने महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उनमें भारी कमी आएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चल जाएगा कौन घर के अंदर गया, कौन बाहर गया, किस टाइम कौन गली में आया, सब पता चल जाएगा, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं अपनी विधानसभा में जाता हूं, पार्कों के अंदर गलत किस्म के लोग शाम को शराब पीने बैठ जाते हैं, जुआ खेलने बैठ जाते हैं, पुलिस वालों को कहो तो पुलिस वाले कहते हैं हमने तो ठीक कर दिया जी, अब पुलिस वालों की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि सीसीटीवी में आ जाएगा कि वो पुलिस कुछ नहीं कर रही है और वहां पे सारे गलत किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए पुलिस विरोध कर रही है, इसलिए एलजी साहब विरोध कर रहे हैं, कई सड़कों के ऊपर कई सारी बसें खड़ी कर देते हैं गलत तरीके से, शराब पी के बदमाशी
सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कम से कम 50% दिल्ली के अंदर क्राइम के अंदर कमी आएगी अगर पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। आप लोगों से एक और बात करनी है, यह तो हुई सीसीटीवी की बात, कल मैं फाइल साइन कर दूंगा और बिना लाइसेंस के अब सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाने चालू कर देंगे हम लोग। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे ऐसे आरडब्ल्यूए के लोग हैं जो अपने सुझाव लिखित में लेके आए हैं, आप जाने से पहले ये सारे सुझाव अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जरूर देके जाना, मैं खुद एक एक सुझाव पढ़ूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा आपका एक एक सुझाव, चिंता मत करना। दूसरी बात, मैं समझ गया भाई साहब, मैं यहां से बोल नहीं सकता, वो कुछ दिखा रहे हैं मेरे को। दूसरी बात, दिल्ली को सुंदर बनाना है नहीं बनाना, दिल्ली में 18,000 पार्क हैं। पिछले हफ्ते मैंने दिल्ली की कई सारी आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग करी थी, करीब 250 आरडब्ल्यूए दिल्ली में 1300 पार्कों की मेंटेनेंस कर रही है और बहुत शानदार मेंटेनेंस कर रही है। उनके साथ मिलके हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि दिल्ली की जितनी आरडब्ल्यूए हैं, जितने महिला संगठन हैं, जितनी एनजीओ हैं, आप सारे अपने अपने इलाके के पार्कों की जिम्मेदारी लो, पार्कों को मेंटेन करो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, आप अपने अपने पार्क मेंटेन करो। मंजूर है, करेंगे सब लोग। अगर किसी आरडब्ल्यूए में 3 पार्क आते हैं 4 पार्क आते हैं, सारे पार्कों की जिम्मेदारी आप लोग, हम बहुत जल्दी इस बारे में स्कीम लाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी पॉलिसी आ जाएगी, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। और दोस्तों, अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो हम दिल्ली को इतना खूबसूरत शहर बना देंगे, दुनिया का नंबर 1 शहर बना देंगे दोस्तों। पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने इतने काम करे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूरी दुनिया के अंदर अब नाम हो रहा है दिल्ली सरकार का, वो केवल और केवल दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर करे हैं। जितने सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं उसमें सारे पेरेंट्स भागीदारी कर रहे हैं, SFC बनी है, जितने अब मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं इसमें हम रोगी कल्याण समिति बना रहे हैं, हर मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर एक समिति बना देंगे, जनता उसकी निगरानी रखेगी, जनता स्कूलों की निगरानी रखेगी, जनता अस्पतालों की निगरानी रखेगी, अकेले दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली को नंबर 1 शहर बना के दिखा देंगे दोस्तों। भारत